Students, some of the paragraphs of chapter 2 I have explained in my previous video. Okay, now I am taking it further. Now I am going to start from the Great Himalayas. Okay, at page number 15. So, let's start. The Great Himalayas lies in the northern part of the Himalayas. जो ये ग्रेट हिमालय पर्वत है ये हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है. जो ग्रेट हिमालय है यानी बड़े बड़े हिमालय के पर्वत लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट उत्तरी भाग में है ऑफ द हिमालयस. हिमालय एक पूरी हिमालय पर्वतों की श्रृंखला है उनमें ही बताया जा रहा है कि जो तो ग्रेट हिमालयस है वो हिमालयस के नॉर्दर्न पार्ट में उत्तरी भाग में है. दीज रेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड द हिमालय. इन रेंजेस को हिमाद्री भी बोला जाता है. दिस रेंज रिमेन्स इसको कवर थ्रू आउट द ईयर. ये श्रृंखला जो है ये पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है. यहाँ पर इतनी बर्फ होती है ये पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है. देयर आर मेनी स्नोफील्ड्स व्हिच गिव बर्थ टू ग्लेशियर्स. यहाँ पर बहुत से बर्फीले मैदान भी हैं जो कि इनको जन्म देते हैं ग्लेशियर्स को. ग्लेशियर किसको बोलते हैं बेटा? ग्लेशियर्स जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ के रूप में जम जाते हैं. जब बर्फ ज्यादा हो जाती है और पहाड़ों का रूप ले लेती है उनको बोला जाता है ग्लेशियर्स. अ ग्लेशियर इज अ स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस. यानी ये एक बर्फ की नदी होती है जो बहुत धीरे धीरे बहती है. क्योंकि इसमें बर्फ जमी हुई होती है तो ये बहुत धीरे धीरे चल पाती है. जैसे हमने यहाँ पे नदी को देखा है वो पानी होता है वो तेज फ्लो में भी चलती है. तो जो ग्लेशियर्स होते हैं ये भी नदी की तरह ही होते हैं बट ये बहुत स्लो स्लो चलते हैं क्योंकि इनमें बर्फ जमी रहती है. दीज ग्लेशियर्स आर सोर्सेज. और ये ग्लेशियर्स सोर्सेज बनते हैं टू मैनी हिमालय. बहुत सारे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी लाइक द इंडस, गंगा, यमुना. और ये नगर कौन से हैं? इंडस, गंगा, यमुना, सॉरी सतलुज, कोसी और ब्रह्मपुत्र. टू द साउथ दक्षिण में ऑफ द ग्रेट हिमालय. ग्रेट हिमालय के द मिडिल हिमालय और हिमाचल के लोकेटेड. यानी मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल जो है वो स्थित. हिमाचल को मिडिल हिमालय भी बोला जाता है. दे आर लाइक दिस फ्रॉम 3,500 to 5,000 meters from sea level. और इनकी ऊंचाई जो है ये जो श्रृंखला है पर्वत श्रृंखला इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 3,500 से लेकर 5,000 meters तक की हाइट है. There are many low areas called valleys in these mountains. और इन पहाड़ों में बहुत सी ऐसी भी मतलब नीची जगह है जिनको हम घाटी बोलते हैं. पर्वतों के बीच में जो गहरी खाई होती है मतलब गहरी निचली जगह होती है उन्हीं को घाटी बोला जाता है. रिवर्स फ्लो थ्रू दीज वैलीज. नदियाँ इन खाटों से होकर के बहती हैं. और चार्ट्स ऑफ प्लम्स एंड एप्पल्स आर कॉमन इन दीज वैलीज. और इन घाटों में प्लम्स और एप्पल्स के बाद आप बहुत मतलब कॉमन है सामान्य रूप से देख सकते हैं. So it was your page number 15. Now I turn my page at page number 16. Okay, and now I am going to explain this paragraph at page number 16.